नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेके, जिसका नाम है सीरीज नंबर 4। सीरीज 3 आपके अपलोड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप जाकर एससीएफ ऑफिसर एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं। हमारा एक ऐप भी है सैनिक स्कूल एससीएफ के नाम से, उसको भी सर्च कर सकते हो। हमारे कुछ प्रिंटेड नोट्स भी हैं, वीडियोज भी हैं, जो आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल हैं और बिल्कुल टोटली फ्री है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बस हमारी इच्छा है कि आपको शुभकामना भी है कि आप जैसे भी तैयारी करते हैं वैसे तैयारी करते रहें और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, हु इज नाउन एज अ ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, कौन व्यक्ति है जिसको बूढ़ा आदमी कहा जाता है भारत में, या सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो उसका जो आंसर है, यहाँ पर उम्र से नहीं है, उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय इनको उपाधि दी गई थी इस तरीके से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर क्या है बेटा? दादा भाई नौरोजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एबल प्राइज इज गिवन इन, एबल प्राइज इज गिवन इन सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है एबल प्राइज। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर है मैथ में, किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा? मैथ में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो संबंध है क्लाइमेट चेंज से है। इसका संबंध किससे है? जो हमारी अर्थ का जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित है। क्यों हो रहा है जलवायु परिवर्तन? क्योंकि प्रति वर्ष CO2 की मात्रा अर्थ पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारे जो ग्लेशियर हैं अर्थ पर मौजूद वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और ओशियन का जल स्तर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। और इसमें होता क्या है कि जब गर्मी पड़ना चाहिए उस समय बरसात होती है, और जब बरसात होती है उस समय गर्मी पड़ रही होती है, सर्दियों में गर्मी पड़ने लगे, गर्मियों में बरसात हो जाए, इस तरीके से जो मौसम का जो रिसाइकल है वो बदल जाता है। कहीं पर सूखा पड़ जाता है तो कहीं पर बाढ़ आ जाती है जहाँ सूखा था। तो इस तरीके के जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे अर्थ पर, इनको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक क्योटो प्रोटोकॉल नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके लिए कार्य करता है। इसमें हर वर्ष सारे विश्व के जो देश हैं पावरफुल देश वो भाग लेते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि हमें अर्थ को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। इसी के लिए एक एग्जांपल भी है, सेव अर्थ सेव लाइफ, अर्थ को बचाओ लाइफ को बचाओ। चलिए आगे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, क्लाइमेट चेंज। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि यहां पर यह पूछा जा रहा है आपसे कि भारत की ऐसी कौन सी सिटी है साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के होने के कारण ही चेन्नई के लोग काले होते हैं, क्योंकि जहां पर जो सन की जो लाइट है वो मैक्सिमम पड़ती है भारत के सारे सिटियों की बजाय, इसीलिए आपने देखा होगा चेन्नई के लोग काफी काले होते हैं, क्योंकि सन की जो लाइट है, सन की जो रेज है वो सीधा वो अपने स्किन पर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ये उनका जो कलर है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इस तरीके का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च इन, इसका जो राइट आंसर है 1930। ये भी 2014 में पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन 2014 में पूछे गए, वहाँ पर टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए निकाले गए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला हम देख लेते हैं, वेस्ट अफ्रीका सिटी बिल होस्ट 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स। सबसे पहले हम कॉमनवेल्थ गेम समझते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होता क्या है? तो ये मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के द्वारा उसके अधीन रहे कभी जो देश थे उनका एक समूह है जिनके द्वारा एक गेम आयोजित किया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम।
ब्रिटेन आयोजित करता है, मेजबानी वो करेगा जहां पर ये खेले जाएंगे। तो 2022 की मेजबानी का जो जिम्मा है वो साउथ अफ्रीका को मिला है, और साउथ अफ्रीका भी उन देशों में आता है जो कभी ब्रिटेन के अधीन या गुलाम रहे थे। उसमें इंडिया भी आता है, लेकिन चाइना भी था, लेकिन चाइना ने खेलने से मना कर दिया कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा समूह जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहा है, उन समूहों के द्वारा वहाँ के लोगों को लिए, वहाँ के लोगों के लिए या खेल खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। तो यहाँ पर किस सिटी में ये लॉन्च होगा साउथ अफ्रीका में, वो बताना है आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डरबन। बेटा राइट आंसर क्या है इसका? डरबन है। अगला देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च वन स्टॉप सेंटर सखी टू हेल्प वुमेन इन डिस्ट्रेस। एक योजना चलाई थी वुमेन के हेल्प के लिए जिसका नाम था सखी। तो कौन सा स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया था? तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, हरियाणा। ये स्टेट कौन सा है? हरियाणा है। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन 2014 में आ चुके हैं, सॉरी 15 में आ चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिहाज से। चलिए मैं आगे देखता हूँ। द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क फोर्ट बिल्ट, ये काफ़ी बार पूछा गया है, और ये जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर है बेटा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, शहर में है। काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSC, CGL, SI, PSC सब में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिहाज से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नरसिम्हा फर्स्ट। इन्होंने इसको बनवाया था, किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, और ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका एक और नाम है ब्लैक पगोडा, किसको कहा जाता है, यही वो मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो रिसेंटली डिस्कवर्ड एस्टेरॉयड 316201 इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच पर्सनैलिटी, मतलब इस एस्टेरॉयड का नाम किस पर्सनैलिटी के लिए गिफ्ट कर दिया गया है, कि उसके नाम पर रख दिया गया है। तो उस पर्सनैलिटी का नाम है मलाला यूसुफ जाई। बेटा मलाला यूसुफ जाई कौन है? मलाला यूसुफ जाई पाकिस्तान की एक वो लड़की है जो वहाँ के बच्चों को तालीम देती है। तालीम का मतलब होता है पढ़ाती है। जिसके ऊपर एक बार तालिबानियों का हमला हुआ या आतंकवादियों का हमला हुआ, तो उस समय उस महिला के साहस को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया ने हाथ बढ़ाए, और उसके इलाज के लिए ब्रिटेन पहुंचा गया। ब्रिटेन ने कहा हम इसका फ्री इलाज कराएंगे, और फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पर नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसके लिए? शांति के लिए। और ये पुरस्कार मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी के दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। ये भारत में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए ये जो पर्सनैलिटी है ये थोड़ा सा फेमस हो गई थी, क्योंकि किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो वो पर्सनैलिटी फेमस हो जाती है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर ये जो एस्टेरॉयड है उसका नाम मलाला यूसुफजई के नाम पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रिसेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अभी हाल ही में सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो विश्वनाथ आनंद है। ये चेस खेलते हैं, और कई बार ये विनर रह चुके हैं, यानी कि 4 बार विनर रहे हैं भारत के लिए, और काफ़ी बार इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं विश्वनाथ आनंद जी, और चेस के लाजवाब प्लेयर है। बेटा आज की हमारी जो सीरीज है उसके जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह करते रहिए, डटे रहिए, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें जब तक सफलता ना मिल जाए। धन्यवाद।